अञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्री वार्षवानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यो ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वराय ते गौर आविर्भाव भूमे स्वम निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमामृताय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्त्वमकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर्मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्यादृंदावन्यकल्पद्रुमदो श्रीमादत्नागरासीमासनस्थो श्रीमद्राधाशलगोविंददेवो प्रेष्टालभे सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमानरासरसारंभी वंशीवटतटस्थ कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक गौर लीला की सीरीज में। तो जब हम लास्ट सेशन हमने किया था तो हमने देखा था कि महाप्रभु कैसे सनातन गोस्वामी से वाराणसी में मिलते हैं और महाप्रभु सनातन गोस्वामी को अपने जो शिक्षाएं हैं वो शुरू करते हैं। तो हम टेक्स्ट 97 से पढ़ेंगे, सॉरी फ्रॉम टेक्स्ट 98। तबे सनातन प्रभुर चरणे धरिया दैन्य विनंती करे दंते तृणालान। तो ये मध्य लीला का चैप्टर 20 है, 20th चैप्टर वर्स नंबर 98। तो यहाँ पे वर्णन है महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी से मिलते हैं दशाश्वमेध घाट में तो उस समय सनातन गोस्वामी दांतों के बीच में घास का तिनका लेके बहुत नम्रता के साथ महाप्रभु के सामने जाते हैं। नीच जाति नीच संगी पतित अधम कुविसय कूपे पड़ी गोनाइनु जन्म। सनातन गोस्वामी इतने नम्र हैं वो महाप्रभु को बोलते हैं मेरा जन्म नीच जाति में हुआ है। हालांकि उच्च कोटि ब्राह्मण है पर बोलते हैं मेरा जन्म नीच जाति में हुआ है, मेरा जो संग है नीच है, म्लेच्छों के साथ यवनों के साथ संग हुआ है।
मैं बहुत पतित हूँ, अधम हूँ, और मेरा पूरा जिंदगी भौतिक चीजों में व्यर्थ चला जा चुका है। इस तरह से बहुत नम्रता से महाप्रभु के पास आते हैं। आपनार हिता हित किचु ना जानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताई सत्यमानी। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं, मुझे पता नहीं मेरे लिए अच्छा क्या है, मुझे कुछ भी पता नहीं, फिर भी लोग मुझे पंडित बोलते हैं और मैं इतना मूर्ख हूं, मैं भी अपने आप को पंडित मानता हूं। कृपा करी यदि मोरे करियाचे उद्धार, आपना कृपाते कह कर्तव्य अभार। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं, महाप्रभु प्लीज कृपा करके आप मुझे बताइए मेरा कर्तव्य क्या है, व्हाट इज माई ड्यूटी, हम सबका कर्तव्य क्या है। के आमी केने आमाय जार तापत्रय, यहाँ ना ही जानी के मन हित है। तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु को पूछते हैं, मैं कौन हूँ, मेरे जिंदगी में कष्ट क्यों है, ये सब मुझे मैं जाता ही नहीं हूँ, प्लीज इन सब चीजों का आप मुझे ज्ञान दीजिए और मेरा हित कीजिए। साध्य साधना तत्व पूछिते न जानी, कृपा करी सब तत्व कहता अपानी। तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बोलते हैं, मुझे प्रश्न पूछना भी नहीं आ रहा है, प्लस बस आप प्लीज कृपा करके साध्य क्या है, व्यक्ति का लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य को प्राप्त करने का साधना क्या है, ये सब और बाकी तत्वों के बारे में आप बताइए। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी बहुत नम्रता से महाप्रभु के पास जाते हैं और ये प्रश्न पूछते हैं। तो सनातन गोस्वामी का ये जो उदाहरण है हमारे लिए उत्कृष्ट उदाहरण है, कैसे वरिष्ठों के पास, गुरुजनों के पास जाना है। प्रभु कहे कृष्ण कृपा तुमाते पूर्ण है, सब तत्व जान तुम्हार नाही तापत रही। महाप्रभु बोलते हैं, अरे सनातन गोस्वामी आप ऑलरेडी सब चीज जानते हो, आपके ऊपर कृष्ण का बहुत कृपा है, आपकी जिंदगी में तो तीन कष्ट है ही नहीं। कृष्ण शक्ति धर तुमी जान तत्व भाव, जानी धार्द्य लागी पूछे साधु रस स्वभाव। तो महाप्रभु बोलते हैं, आप ऑलरेडी कृष्ण तत्व के बारे में जानते हो, फिर भी साधु का स्वभाव है ऐसा प्रश्न करना। जो साधु होते हैं नेचुरली सुनने के लिए इच्छुक हैं, बार बार वो ऑलरेडी जानते हैं फिर भी सुनने के लिए इच्छुक हैं। अचिरादेव सर्वातः सिद्धि येषाम अभीप्सितः, सद्धर्मस्यानुबोधाय येषाम निर्मंदिनी मतिः। तो यहाँ पे वर्णन है, जो व्यक्ति जो बहुत उत्सुक है भगवान कृष्ण के बारे में जानने के लिए, आध्यात्मिक जिंदगी में प्रगति करने के लिए, ऐसा व्यक्ति जो है बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो ये उत्सुकता बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भागवतम के पहले स्कंद में देखते हैं शौनक आदि ऋषि भी इतने उत्सुक हैं सुतो गोस्वामी से सुनने के लिए, वो सुतो गोस्वामी का आशीर्वाद देते हैं, हमारा बहुत सारा आशीर्वाद है, अब विस्तार से भगवान की कथाओं के बारे में वर्णन कीजिए। योग्य पात्र हाओ तुम्ही भक्ति परवाताई ते, क्रमे सब तत्व सुनो कहिए तुमाते। महाप्रभु बोलते हैं, आप ऑलरेडी सब जानते हो, आप एक्चुअली पूरी दुनिया में प्रचार करने के लिए लायक हो, आप ऑलरेडी जगत गुरु हो, फिर भी क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हो, अभी आप ध्यान से मेरा उत्तर सुनना। तो यहां से टेक्स्ट नंबर 108 से महाप्रभु अपने शिक्षाओं को शुरू करते हैं। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, सूर्यांश किरण याइचे अग्नि ज्वाल छय, स्वाभाविक कृष्णेर तीन प्रकार शक्ति है। तो महाप्रभु अपने शिक्षाओं को शुरू करते हैं ये बताते हुए, क्योंकि सनातन गोस्वामी का पहला प्रश्न था हु आम आई, मैं कौन हूँ। तो महाप्रभु बोलते हैं, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, उन्होंने पूछा था मैं कौन हूँ, महाप्रभु बोलते हैं आप आत्मा हो, शुद्ध आत्मा, और आत्मा कृष्ण का अंश है, इसलिए आत्मा का कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना, टू सर्व कृष्णा। और महाप्रभु बताते हैं, ये जो आत्मा है इसका गिनती तटस्थ शक्ति में होता है, तटस्थ शक्ति करते मार्जिनल शक्ति। महाप्रभु आगे बताते हैं, दो तीन तरह के शक्ति है, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, और बीच में जो शक्ति है जीव तत्व, इसको तटस्थ शक्ति बोलते हैं। और ये जो जीव शक्ति है, आत्मा है, कृष्ण के साथ एक भी है और अलग भी है, भेदा भेद प्रकाश, अचिंत्य भेद अभेद तत्व, वन एंड डिफरेंट, हम कृष्ण के साथ एक है क्वालिटी में पर क्वांटिटी में फर्क है। और महाप्रभु उदाहरण क्या देते हैं, सूर्यांश किरण,
सूरज और सूरज का किरण, तो भगवान कृष्ण सूर्य की तरह है, कृष्ण सूर्य सम, कृष्णा इज लाइक द सन, और हम सब जो है कृष्ण के अंश हैं, और हम सब किरण की तरह है। जैसे सूरज और किरण, सूरज और सूरज के किरण एक हैं या अलग हैं? एक भी है अलग भी है। जब घर के अंदर खिड़की के अंदर सूरज की किरण आता है, हम ये नहीं बोलते कि सूरज आ गया घर के अंदर, वी डोंट टेल दैट। फिर भी ये भी बोल सकते हैं, अगर कोई बोलेगा सूरज आ गया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि सूरज के किरण और सूरज एक भी है और अलग भी है। एक देश स्थितास याग्नेर ज्योत्सना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मण शक्ति स्तदेदम अखिलम जगत। तो जैसे है ये विष्णु पुराण का श्लोक है, जैसे अग्नि एक जगह पे होता है, पर अग्नि से जो प्रकाश है या गर्मी है सब जगह फैलता है, तो वैसे ही भगवान पर ब्रह्म एक जगह पे होते हैं पर उनकी शक्तियों के द्वारा सब जगह व्याप्त है। कृष्णेर स्वाभाविक तीन शक्ति परिणति, चित शक्ति जीव शक्ति आर माया शक्ति। भगवान कृष्ण के बहुत सारे शक्तियां हैं पर उनमें से तीन प्रमुख है। चित शक्ति का अर्थ है स्पिरिचुअल पोटेंसी, अंतरंग शक्ति। जीव शक्ति का अर्थ है आत्मा, हम सब जीवात्मा जिनको तटस्थ शक्ति बोलते हैं, और माया शक्ति या बहिरंग शक्ति। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रस्याज्ञ तथा परा अविद्या कर्म संज्ञाय तृतीय शक्ति इष्यते। तो ये विष्णु पुराण का श्लोक है। तो भगवान कृष्ण के ये तीन शक्तियां हैं, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, भगवान कृष्ण की जो अंदरूनी शक्ति है वो स्पिरिचुअल है, और जो जीव शक्ति है ये भी स्पिरिचुअल है। हम भी आत्मा के रूप में वी आर ऑल्सो स्पिरिचुअल। तो भगवान की अंतरंग शक्ति जो है स्पिरिचुअल है, जीव शक्ति भी स्पिरिचुअल है, पर जो माया शक्ति है अविद्या कर्म संगय, ये जो माया शक्ति है ये मटीरियल है, भगवान का तीसरा शक्ति। शक्त्या सर्वभावानाम अचिंत्य ज्ञान गोचरा यतोत ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्य भाव शक्तय भवंती तपताम श्रेष्ठा पावकस्य यतोस्तता। तो ये भी विष्णु पुराण का श्लोक है। तो यहाँ पे वर्णन है जैसे भगवान के अनेक सारे शक्तियां हैं और अचिंत्य शक्तियां हैं, और भगवान ये शक्तियों के माध्यम से सृष्टि का संहार भी करते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और सृष्टि को भी शुरू करते हैं। जैसे गर्मी के अग्नि के ये दो शक्तियां हैं, हीट एंड लाइट, गर्मी और प्रकाश। तो ऐसे भगवान के बहुत सारे शक्तियां हैं, उनमें से ये तीन प्रमुख है। यया क्षेत्रज्ञ शक्ति सा वेस्तिता नृप सर्वगा संसार तापम अखिलान अवाप्नोति अत्र संततान। तो ये भी विष्णु पुराण का श्लोक है। तो यहाँ पे वर्णन है क्षेत्रज्ञ शक्ति, हमारा जो शरीर है इसको क्षेत्र बोलते हैं, और क्षेत्रज्ञ शक्ति मतलब आत्मा। तो ये जो आत्मा है जीवात्मा है, हमारे पास चुनाव है भौतिक दुनिया में रहने के लिए या आध्यात्मिक दुनिया में रहने के लिए। जब हम भौतिक दुनिया में आते हैं, माया को चुंगल में फंसते हैं हम, तो तुरंत अविद्या जो है हमारे ज्ञान को ढक लेती है, इग्नोरेंस कवर्स अ नॉलेज, और हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, कृष्ण के दास हैं। तया तिरोहिता वाच शक्ति क्षेत्रज्ञ संगीता सर्वभूतेश भूपाल तारतम्य वर्तते। ये जो जीवात्मा है अपने भक्ति के स्तर के अनुसार अपना जितना हृदय का शुद्धिकरण होता है उस पर निर्भर है कितना हद तक वो माया शक्ति से परे है। तो थोड़े जो जीवात्मा है पूर्ण तरीके से माया शक्ति में फंसे हैं, और थोड़े जो हैं उनका शुद्धिकरण हुआ है, थोड़ा थोड़ा उनका ज्ञान उड़ रहा है। अप्रमेयम इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। भगवान कृष्ण, ये गीता का श्लोक है सातवां अध्याय, भगवान कृष्ण बताते हैं, पहले तो भगवान कृष्ण भौतिक शक्तियों के बारे में वर्णन करते हैं, भूमि रपो नलो वायु कम मनो बुद्धि रेव च, ये जो आठ भौतिक शक्तियां हैं उसके बारे में वर्णन करते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण बताते हैं अप्रमेयम इतस्तन्यम, ये भौतिक शक्ति से परे हैं आध्यात्मिक शक्ति या जीवात्मा, और ये जीवात्मा क्या करता है, ये भौतिक प्रकृति को भोग करने का प्रयास करता है, ट्राइंग ट्राइंग टू एंजॉय मटीरियल नेचर। जैसे रावण सीता मैया का अपहरण करके शोषण करने का प्रयास करता है, वैसे ही जीवात्मा जो है ये दुनिया के वस्तुओं को भोग करने का प्रयास करता है। सो दिस इज ऑन भगवद गीता। अगला जो श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख
अतएव माया तारे देह संसार दुख। तो जीवात्मा, हम सबके पास दो चुनाव है, भगवान के अंदरूनी शक्ति में रहने का, भक्ति का आश्रय लेने का, या माया शक्ति का आश्रय लेने। जी कृष्ण बोली, कब जीव जो है माया शक्ति में फंस जाता है, कृष्ण बोली, जब जीव कृष्ण को भूल जाता है, से जीव अनादि बहिर्मुख, और कृष्ण से बहिर्मुख हो जाता है, तब क्या होता है, अतएव माया तारे देह संसार दुख। उस समय माया ऐसे जीव को पकड़ लेती है और दुख देती है। कल दशहरा का तिथि था, हम सब जानते हैं सीता मैया जब भगवान की भक्त थी, पर जब उनका आकर्षण ये सोने के मृग के प्रति होता है, जो मायावी मृग था, तो सीता क्या करती है, राम को अपने जिंदगी से भेज देती है। सोने के मृग के प्रति उनका आकर्षण हो जाता है, और उस समय रावण आके सीता का अपहरण करके लंका में फंसा देता है, और लंका में रावण इतना तंग, इतना कष्ट देता है सीता को। तो ये उदाहरण सब देखते हैं, व्यक्ति माया में, ये रावण जो है मन और इंद्रिय अलग अलग चीजों से हम कष्ट भुगत रहे हैं, हम क्यों फंसते हैं संसार में, दम दुख क्यों प्राप्त करते हैं, शुरुआत है कृष्ण बोली। जब हम भगवान को हमारे जिंदगी से भेज देते हैं, ये दुनिया की चीजों के प्रति हमारा आकर्षण होता है, तब हम ये दुनिया में फंसते हैं, वी आर कॉट इन दिस वर्ल्ड। और सीता का उद्धार कैसे होता है, पहले भगवान जो है हनुमान जी को भेजते हैं, और हनुमान जी सीता को शिक्षाएं देते हैं, आश्वासन देते हैं, और उसके बाद भगवान राम आते हैं सीता का उद्धार करने के लिए। तो वैसे ही हम ये शरीर रूपी लंका में फंसे हैं, ये भौतिक दुनिया में फंसे हैं, अगर हमको यहाँ से उद्धार, यहाँ से मुक्ति प्राप्त करना है, गुरु और कृष्ण का आश्रय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रभुपाद बता रहे हैं जब हम भूल जाते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के साथ ये कनेक्शन को हम भूल जाते हैं, तब हमारा भौतिक जिंदगी शुरू होता है, वी बिकम अट्रैक्टेड टू इल्यूजरी लाइफ एंड मटीरियल लाइफ स्टार्ट्स, और इस तरह से हम ये दुनिया में फंसते हैं। कबू स्वर्ग उतायें कबू नर के डुबाएं, तंड्य जने राजा ये न नाडी ते छुबाए। तो कभी ये भौतिक दुनिया में हम बहुत अच्छा एक परिस्थिति प्राप्त करते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं आत्मा जीवात्मा, कभी नरक में चला जाता है, स्वर्ग में जाता है बहुत खुश होता है, नरक में बहुत दुख प्राप्त करता है। ऐसे ही ये दुनिया में हम ऊपर नीचे, कभी खुशी कभी दुख, यही परिस्थिति में हम चलते रहते हैं। और महाप्रभु उदाहरण दे रहे हैं, पहले जमाने में राजा जब किसी को बंदी बनाता था, उनको पनिशमेंट कैसे देते थे, नदी में लेके जाते थे, इसके सर को पानी के अंदर डुबाते थे, जब ये मरने ही वाला था इसके सर को उठाएंगे और वापस डुबाएंगे। तो वही होता है, स्वर्ग मतलब सर बाहर आ गया थोड़े समय तक, वापस व्यक्ति नरक में जाता है। तो इस तरह से जीवात्मा कभी सुख कभी दुख, कभी स्वर्ग कभी नरक, यही इसी चीज में फंसा रहता है, भगवान के बारे में सोचता नहीं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, दो तरह के जीव है, एक नित्य मुक्त और एक नित्य बद्ध। नित्य मुक्त मतलब लिबरेटेड, कभी वो भौतिक दुनिया में गिरते नहीं है, कभी उनका आकर्षण भौतिक चीजों के प्रति नहीं होता। ऐसे कृष्ण के महान भक्त भगवत धाम में रहते हैं, बहुत खुश होते हैं। पर जो जीव नित्य बद्ध है, कृष्ण के साथ संबंध भूल जाता है, वो ये दुनिया में फंस जाता है, ही गेट्स कॉट इन दिस वर्ल्ड। और ये दुनिया में माया देवी जो है बहुत दंड देती है, शी कीप्स पनिशिंग अस। तो इस तरह से हम दंड भुगतते हैं और बहुत सारा कष्ट भुगतते हैं। अगला श्लोक जो है श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, ये दो श्लोक अभी जो महाप्रभु ने बताया है, महाप्रभु सिद्ध करते हैं ये भागवतम के श्लोक से, बहुत सुंदर श्लोक है, 11th कैंटो ऑफ भागवतम। वयम् द्वितीया अभिनिवेशता स्यात् ईशात् अपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्माययातो तो बुध आवचेतम भक्ति कयेशम गुरुदेवतात्मा। तो यहाँ पे भी वर्णन है, व्यक्ति ये दुनिया में फंसता क्यों है, क्योंकि वो भगवान के साथ अपना संबंध भूल जाता है। तो यहाँ पे वर्णन है, द्वितीय अभिनिवेशता स्यात्, द्वितीय अर्थ है सेकेंडरी, हम भगवान को भूल जाते हैं और जो सेकेंडरी रियलिटी है, ये दुनिया एक्चुअल रियल नहीं है, फिर भी हम ये दुनिया को असली मान के चलते हैं, तब हम कृष्ण के साथ, हमारा जो कनेक्शन है विपर्ययो स्मृति, हम कृष्ण के साथ कृष्ण के सेवक हैं, पर हम कृष्ण के कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, कंप्लीटली ऑपोजिट, विपर्ययो स्मृति, हमको कृष्ण का सेवा करना चाहिए पर
पर हम कृष्ण बनने का प्रयास करते हैं और इसीलिए ये दुनिया में फंसते हैं और इसीलिए भय का अनुभव करते हैं। द कॉज ऑफ फियर, भय का मूल कारण है हम कृष्ण को भूल गए। जैसे अगर आप एक कमरे में प्रवेश करते हो और वो कमरे का लाइट चला गया तो ऑटोमेटिकली भय आएगा, अंधेरे में भय आएगा। जहां पे लाइट है वहां पे भय नहीं होता। तो जब कृष्ण वो लाइट की तरह है, प्रकाश की तरह है, जब हम कृष्ण के लाइट को बंद कर देते हैं तब माया में फंसते हैं और हमेशा भयभीत रहते हैं। वी आर ऑलवेज फियरफुल। तो ये परिस्थिति से अगर हमको उठना है, ये भय से उठना है, वापस कृष्ण के पास जाना है, तो क्या करना है हमको? यहाँ पे वर्णन है, तन माया तो बुध आप जीतम प्रत्येक ये शाम गुरु देवतात्मा। हमको क्या करना है? भगवान कृष्ण जो आदि गुरु है और जो एक्चुअल गुरु है, उनको अपना स्वामी और विग्रह के रूप में स्वीकार करना है और भगवान का आराधना करना है। आभजेतम बाय द प्रोसेस ऑफ भक्ति, जब हम भगवान की भक्ति से सेवा करेंगे, गुरुजनों की सेवा करेंगे, तभी हम ये परिस्थिति से उड़ जाएंगे, विल बी फ्री फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो ये जो श्लोक है नवयोगेंद्र बताते हैं। तो प्रभुपाद ये प्रसंग के बारे में लिखते हैं, जब एक बार भगवान कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जो है नारद मुनि से मिलते हैं द्वारका में, और नारद मुनि से प्रश्न करते हैं भक्ति के बारे में। और उस समय नारद मुनि बताते हैं राजा निमि ने नवयोगेंद्र से यही प्रश्न पूछा था और उन्होंने ये उत्तर बताया। तो इसका अर्थ क्या है? जब हम कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे, जो चैत्य गुरु है, और कृष्ण की आराधना करेंगे, कृष्ण को अपना सब कुछ मान के चलेंगे, तब हम ये भौतिक संसार से उद्धार प्राप्त करते हैं। साधु शास्त्र कृपाएं यदि कृष्णन मुख होए सही जीव निस्तारे माया तार चढ़ाए। तो हम हमने सुना था हम ये दुनिया में फंसते क्यों हैं? क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के साथ बहिर्मुख हो जाते हैं, कृष्ण भूली, हम कृष्ण को भूल जाते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है? साधु शास्त्र कृपाए। तो अगर हम साधुओं का आश्रय लेंगे, शास्त्रों का आश्रय लेंगे, साधु हमको क्या बताते हैं? शास्त्रों से बताते हैं। तो अगर हम साधुओं का आश्रय लेंगे, शास्त्रों का आश्रय लेंगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे वापस जो वो स्मृति है, जो हम भूल गए हैं, वो स्मृति वापस आएगा और धीरे धीरे हम कृष्ण उन्मुख, कृष्ण बहिर्मुख से हम कृष्ण उन्मुख होंगे। और क्या होगा? माया ताहरे चढ़ाए, माया हमको छोड़ देगी। माया या दुर्गा देवी कृष्ण की दासी है, हमको कष्ट क्यों देती है? क्योंकि हमने कृष्ण को छोड़ दिया, हम कृष्ण की भक्ति करने लगेंगे, माया देवी हमको छोड़ देगी। तो प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं, जो साधु हैं उनका एक ही कर्तव्य है, वो एक ही कार्य करते हैं, भक्ति का प्रचार, शास्त्रों का प्रचार। और अगर हम साधुओं का और शास्त्रों का आश्रय प्राप्त करेंगे, उनका कृपा प्राप्त करेंगे, डेफिनेटली जो हम सबके हृदय में भक्ति है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नोय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिय युदय। जो हृदय में ऑलरेडी कृष्ण प्रेम है वो वापस बाहर आएगा। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र त्रिक एक काल। तो जब हम एक्चुअली भक्ति का पालन करेंगे तो धीरे धीरे विरक्ति ऑटोमेटिकली आएगा, माया से छुटकारा ऑटोमेटिकली प्राप्त होगा। अगला श्लोक भगवद गीता का श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति ते। तो महाप्रभु बेसिकली सनातन गोस्वामी को समझाते हैं, हम सब जीव हैं, पर जब हम भगवान के अंश हैं, पर जब हम भगवान के साथ कनेक्शन भूल जाते हैं, दुनिया में फंसते हैं, तो ये दुनिया से उद्धार प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण का आश्रय, गुरु का आश्रय, भक्ति के मार्ग का आश्रय। तो ये श्लोक में भगवान बताते हैं, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो माया देवी है इसको पार करना असंभव, डिफिकल्ट टू सरपास, बहुत मुश्किल है माया देवी को पार करना, ये भौतिक संस्कार को पार करना। पर एक उपाय है, देर इज वन सोल्यूशन, एक ही उपाय है, दूसरा नहीं। माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो भगवान कृष्ण का आश्रय लेता है, माया देवी ऐसे व्यक्ति को छोड़ देती है, माया जस्ट गिव्स अप। और ऐसा व्यक्ति बहुत आसानी से माया को तर कर सकता है, माया को पार कर सकता है। तो महाप्रभु ये सब श्लोक बता रहे हैं ये बताने के लिए, अगर हमको माया से छुटकारा चाहिए, भौतिक दुनिया से छुटकारा चाहिए, तो कृष्ण का आश्रय लेना इंपॉर्टेंट है। और कृष्ण का हम आश्रय कैसे लेंगे? साधु और शास्त्रों के माध्यम से।
माया मुग्ध जीवेर नाही स्वत कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। जो माया मुग्ध जीव, माया मुग्ध जीव मतलब माया से आकर्षित जीव जो है, हम अपने आप से हम कृष्ण के प्रति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान। कोई बोल नहीं सकता मुझे ऑलरेडी कृष्ण के बारे में सब कुछ पता है, संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारा आकर्षण कृष्ण के प्रति है ही नहीं, माया के प्रति है। इसलिए भगवान कृष्ण जीवेर कृपाए, हमारे ऊपर कृपा करके भगवान कृष्ण ने हमको क्या दिया है, वेद पुराण। तो ये वेद पुराण जो है, भागवत पुराण हो, सब पुस्तक हो, भगवान कृष्ण का असीम कृपा है। भगवान ने हमको ये पुस्तकों के माध्यम से एक मार्ग दिया है कैसे भवसागर से निकलना है। तो प्रॉपर बता रहे हैं, माया का बिजनेस क्या है, हमको हमेशा ये दुनिया में फंसा के रखना। कृष्ण का जो याद है वो माया हमको देती नहीं करने के लिए, फंसा के रखती है। यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मन्नुते नार्थं नत्कृतं चाभि पद्यते। ये जो माया देवी है जीवों को ऐसा फंसाती है, जीवों को लगने लगता है हालांकि हम आत्मा हैं, पर हमको लगने लगता है कि हम शरीर है। आत्मानं त्रिगुणात्मकं, हमको लगता है ये तीन गुण का जो शरीर है, कफ वात पित्त का ये जो शरीर है, ये मैं हूं। हम भूल जाते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, और इसलिए भगवान कृष्ण बहुत कृपावश व्यासदेव के रूप में आते हैं और शास्त्र लिखते हैं। तो प्रॉपर लिखते हैं व्यासदेव भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, शक्तावेश अवतार, और उन्होंने सब शास्त्र लिखा, खासकर भागवतम, ताकि हमारा जो स्मरण है, हमारी जो स्मृति है कि हम कृष्ण के दास हैं, वो वापस आए। ऑल्दो देर इज एन इमेंस ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज, पीपल आर एंगेज इन रीडिंग यूजलेस लिटरेचर। प्रॉपर बता रहे हैं, हालांकि इतने सारे पुस्तक हैं, गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत, इतने सारे पुस्तक हैं, पर लोग फालतू के पुस्तक पढ़ते हैं और दुनिया में और फंसते हैं। सो देयरफॉर बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये सब पुस्तकों को पढ़ें। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे अपनार जनान कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवे रहय ज्ञान। तो भगवान कृष्ण हम सबको बुद्धि देने के लिए तीन रूप में आते हैं, कृष्णा कमजन थ्री फॉर्म्स, हमको बुद्धि देने के लिए, वापस उनके पास लेके जाने के लिए। पहला शास्त्र इन द फॉर्म ऑफ वैदिक लिटरेचर्स, गीता भागवत चैतन्य चरितामृत। दूसरा गुरु, गुरु के रूप में आते हैं भगवान हमारी मदद करने के लिए। और तीसरा आत्मा, परमात्मा के रूप में आते हैं भगवान, हृदय से परमात्मा के रूप में हमको प्रेरणा देते रहते हैं। तो इस तरह से है व्यक्ति जो है समझ सकता है, थ्रू दीस ही कैन अंडरस्टैंड कृष्णा, कृष्ण कौन है समझ सकता है, मैं कौन हूं समझ सकता है। और ऐसा ज्ञान से क्या होगा, ये कंक्लूजन पे आएगा कि कृष्णा इज माय मास्टर, कृष्ण मोर प्रभु त्राटा जीवे रहय ज्ञान। सो सब शास्त्रों का कंक्लूजन क्या है, कृष्ण मेरे स्वामी हैं और सिर्फ भगवान कृष्ण मेरा उद्धार कर सकते हैं। भजगोविंदम 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 मूढ़मते संप्राप्ते संहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुकृन्न करने। तो शंकराचार्य बताते हैं उनके अंतिम ये गीत में, वो बताते हैं कि कृष्ण ही हमारे उद्धार करने वाले हैं। त्राटा, त्राटा का अर्थ है डिलीवरर, ओनली कृष्णा कैन हेल्प अस। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, हम सब जो जीव हैं, हम जो हमारा एक्चुअल मूल स्वरूप हम भूल चुके हैं, हम तीन चीजों का मदद ले सकते हैं, शास्त्र गुरु परमात्मा, स्क्रिप्चर्स गुरु परमात्मा। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया। भगवान हम सबके हृदय में है, कंटिन्यूसली आते हैं, हालांकि हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान कंटिन्यूसली हमारे साथ आते हैं। और अगर थोड़ा बहुत हम इच्छा व्यक्त करेंगे भगवान को कि मुझे आपकी प्राप्ति करना है, भगवान डेफिनेटली मदद करेंगे। तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे। भगवान ऐसे भक्तों को बुद्धि देंगे। तो ये पहला तरीका है, पहले रूप से भगवान मदद करते हैं, वो है परमात्मा। दूसरा है शास्त्र। प्रॉपर लिखते हैं, व्यासदेव भगवान के शक्तावेश अवतार है और व्यासदेव आके वैदिक शास्त्र लिखते हैं, ये दूसरा रूप है जिसे हम मदद ले सकते हैं। और तीसरा है गुरु। गुरु क्या करते हैं, शास्त्रों के अनुसार हमको ट्रेन करते हैं, शास्त्रों के अनुसार हमको कैसे जीना है। इस तरह से अगर हम ये तीन चीजों का आश्रय लेंगे, गुरु का, शास्त्रों का और परमात्मा का, डेफिनेटली हमारा उद्धार होगा।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण का आश्रय लेना मतलब इन तीनों का आश्रय लेना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को ये तीनों चीज दे रहा है, इज ऑफरिंग दिस ऑल द थ्री थिंग्स। शास्त्र प्रदान कर रहे हैं, इतने बड़े मात्रा में पुस्तकों का वितरण हो रहा है, शास्त्र, गुरु का संग, प्रामाणिक भक्तों का संग मिल रहा है, और परमात्मा के साथ कनेक्शन। तो प्रभुपाद बता रहे हैं अगर कोई कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ लेगा डेफिनेटली उसका लिबरेशन या मुक्ति जो है निश्चित है। वेद शास्त्र कहें संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्तिर साधन। तो सब वैदिक शास्त्र, तो यहाँ पे अभी महाप्रभु ने बताया है ये दुनिया से उद्धार प्राप्त करना है तो शास्त्रों का आश्रय लेना है। तो सब वैदिक शास्त्र तीन चीज ही बताते हैं, संबंध अभिधेय प्रयोजन। हमारा कृष्ण के साथ संबंध क्या है, इस संबंध को पुनर्स्थापित कैसे करें, मार्ग क्या है और लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस। तो यहाँ पे महाप्रभु बता रहे हैं कृष्ण प्राप्य संबंध, कृष्ण को कृष्ण के बारे में जानना संबंध है, भक्ति प्राप्तिर साधन, और कृष्ण को प्राप्त करने का मार्ग है साधना। अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। तो संबंध मतलब ये जानना कि कृष्ण भगवान, मैं कृष्ण का दास, कृष्णा इज गॉड, आई एम इज इटर्नल सर्वेंट, दिस इज कॉल्ड संबंध। क्या अभिधेय क्या है, अभिधेय मतलब भक्ति, अभिधेय नाम भक्ति, कर्म नहीं ज्ञान नहीं, कृष्ण को प्राप्त करने का, कृष्ण के साथ संबंध पुनर्स्थापित करने का मार्ग है अब भक्ति द प्रोसेस, और लक्ष्य क्या है भक्ति प्राप्त पालन करके, प्रयोजन या अल्टीमेट गोल इज प्रेम, और ये जो प्रेम है पुरुषार्थ शिरोमणि, चार तरह के पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पर पुरुषार्थ शिरोमणि पंचम पुरुषार्थ है प्रेम, और ये सबसे बड़ा धन है जो हर जीव को प्राप्त करने का प्रयास करना है कि नहीं, हर व्यक्ति धनी बनना चाहता है, तो सही धन मतलब कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये भौतिक दुनिया में आने से हम अपना ओरिजिनल चेतना कृष्ण भावनामृत चेतना भूल चुके हैं, भगवान कृष्ण हम सबके पिता हैं और भगवान चाहते हैं कि हम वापस घर आए, है कि नहीं। कभी कभी बच्चों को इच्छा नहीं होता वापस घर जाने के लिए, माता पिता को भूल जाते हैं, पर भगवान कभी अपने बच्चों को भूलते नहीं है, इसलिए भगवान शास्त्र देते हैं हमको, गुरुजनों को भेजते हैं, स्वयं हृदय से भगवान मदद करते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं। प्रभुपाद एक्चुअली भागवतम के पहले स्कंद में लिखते हैं जितने हम उत्सुक हैं कृष्ण के पास जाने के लिए उसे 1000 गुना भगवान कृष्ण उत्सुक है कि हम आए उनके पास, इसलिए भगवान कृष्ण अलग अलग प्लानिंग करते रहते। सो अगर हमको एक्चुअली प्रयोजन कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना है तो हमको यहाँ की चीजों में इंद्रियों में समय व्यर्थ नहीं करना है, हमको शास्त्र पढ़ना है, भक्ति का पालन करना है, और ये करते हुए डेफिनेटली प्रयोजन या जो प्रेम है उसका हम प्राप्ति करेंगे। कृष्ण माधुर्य सेवानंद प्राप्ति र कारण, कृष्ण सेवा करे आर कृष्ण रस आस्वादन। तो जब व्यक्ति कृष्ण के साथ संबंध वापस स्थापित करता है वो बहुत आनंद के साथ कृष्ण की सेवा करता है। साधना के स्तर पे हम भी कृष्ण की सेवा करते हैं पर बहुत आनंद के साथ नहीं करते, हम जानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए करते हैं, पर जब एक्चुअली प्रयोजन प्राप्त होगा कृष्ण की सेवा व्यक्ति बहुत आनंद के साथ करेगा। अभी महाप्रभु एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, इहांते दृष्टांत यैचे दरिद्रेर घरे सर्वज्ञ आसी दुख देखी पुचाय ताहरे। तो महाप्रभु एक उदाहरण देते हैं, ये जो धन है महाप्रभु ने क्या बताया है, जो धन क्या है कृष्ण प्रेम, पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बिकम वेल्दी, धनी बनना, और धनी का अर्थ है कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना, और सब शास्त्र ये क्लू देते हैं। जैसे अगर किसी को धन प्राप्त करना है, बचपन में ना लोग बच्चे जो है ट्रेजर हंट गेम खेलते हैं, धन प्राप्त करने के लिए अलग अलग यू नो क्लूज होते हैं, तो वैसे शास्त्रों में कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त करें उसके अलग अलग क्लूज है। तो महाप्रभु एक उदाहरण देते हैं, एक बार एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिष जो है जिसका नाम था सर्वज्ञ, एक बहुत गरीब व्यक्ति के घर में जाता है और उसको प्रश्न पूछता है आप इतने गरीब क्यों हो, राइट। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कभी कभी जब व्यक्ति बहुत पीड़ित होता है ना एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है या पामिस्ट के पास जाता है, क्योंकि वो अपना भविष्य जानना चाहता है, क्योंकि नेचुरली है हर जीव जो है अपने कष्टों से उद्धार प्राप्त करके सुखी जीवन प्राप्त करना चाहता है,
इसलिए लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। हाँ, लोग एस्ट्रोलॉजर को क्या प्रश्न पूछते हैं, मैं दुखी क्यों हूं, ये दुख से मुक्ति कैसे मिलेगा। तो वैसे ही सनातन गोस्वामी अपने आप को दुखी मानते हुए महाप्रभु के पास जा रहे हैं, महाप्रभु लाइक दैट एस्ट्रोलॉजर, और महाप्रभु से जिज्ञासा कर रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ब्रह्म जिज्ञासा, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो हमको जिज्ञासा करना है ये दुख से कैसे हम छुटकारा प्राप्त करें, हाउ वी कैन बिकम एक्चुअली वेल्थी, हम सही में आध्यात्मिक रूप से धनी कैसे बने। तो एक ये जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष है, एक गरीब व्यक्ति के घर में जाता है और उनको पूछते हैं तुम्ही के न दुखी, तुम्हारा आज पितृ धन, तुम्हार ना कईला अन्यत्र चाड़ीला जीवन। तो ये जो एस्ट्रोलॉजर है सर्वज्ञ बोलते हैं आप इतने दुखी क्यों हो, आप गरीब नहीं हो, आपके पिता ने ना आपके लिए बहुत बड़ा धन रखा है, हालांकि वो भी गुजर चुके हैं पर धन है उन्होंने आपके लिए रखा है। तो वहां पर ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं, ये बताने के लिए भगवान कृष्ण हमारे पिता हैं और भगवान कृष्ण ने हमारे लिए धन रखा है, कृष्ण प्रेम का, इस केप्ट दिस वेल्थ फॉर अस, पर हम वो हमको पता नहीं वो धन है, हम इधर उधर वो धन को ढूंढ रहे हैं। सर्वज्ञेर वाक्य करे धनेर उद्देश, ऐच वेद पुराण जीवे कृष्ण उपदेश। तो जैसे सर्वज्ञ ये गरीब व्यक्ति को बताता है आपके पास धन है, आप गरीब नहीं हो, वो धन प्राप्त करने का रास्ता है, मैं आपको बताऊंगा। तो वैसे ही वैदिक शास्त्र जो है एक एस्ट्रोलॉजर की तरह है, वो हमको बताते हैं अरे आप गरीब नहीं हो, आपको इतना कष्ट भुगतने की जरूरत नहीं है। वैदिक शास्त्र हमको बताते हैं हमारा सही धन क्या है और उस धन प्राप्त करने का मार्ग। आप लोगों को समझ में आ रहा है, यू नो अंडरस्टैंडिंग दिस एग्जाम्पल, बहुत सुंदर उदाहरण है। तो महाप्रभु एग्जाम्पल से समझाते हैं, बहुत कठिन विषय जो है एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सर्वज्ञेर वाक्य मूल धन अनुबंध, सर्वशास्त्र उपदेशे श्री कृष्ण संबंध। तो जैसे हैं ये सर्वज्ञ या एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, ये व्यक्ति को कनेक्ट किया उसके धन के साथ, अपने वचनों से उसने बोला हाँ एक धन है आपके पिताजी ने रखा है। तो बात करते करते ही मेड द कनेक्शन, संबंध बनाया वो धन के साथ। तो वैसे ही वैदिक शास्त्र सर्वशास्त्र उपदेशे श्री कृष्ण संबंध, हमारा असली धन कृष्ण है और वैदिक शास्त्र हमारा संबंध बनाता है, अरे आप गरीब नहीं हो, आपका कनेक्शन है ये कृष्ण के धन के साथ। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं वेदाहम समितितानि वर्तमानं च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं, कृष्णा नोज एवरीथिंग। तो भगवान कृष्ण जानते हैं कि हम क्यों पीड़ित हैं, क्योंकि हम भगवान कृष्ण के साथ संबंध भूल चुके हैं, इसलिए भगवान आते हैं वृंदावन में, लीलाएं करते हैं, भगवान आके गीता सुनाते हैं। एक ही लक्ष्य है भगवान का, भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास वापस आए। प्रभुपाद लिखते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञान ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कृष्ण हमारे परम मित्र हैं, जैसे एक एस्ट्रोलॉजर अपने आप चल के आया गरीब व्यक्ति के घर में और उनको बता रहा है आप गरीब नहीं हो, आप धनी हो, वैसे भगवान कृष्ण अपने आप आ रहे हैं हमारे पास शास्त्रों के रूप में, गीता भागवत के रूप में, और भगवान बताते हैं कष्टों का निवारण, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। बापेर धन आचे ज्ञाने धन ना ही पाए, तबे सर्वज्ञ कहे तार प्राप्तिर उपाय। तो ये सर्वज्ञ ये जो एस्ट्रोलॉजर है ये व्यक्ति को बोलता है अरे आप चिंता मत करो, आपके पिताजी ने बहुत धन रखा है आपके पास आपके लिए, और मैं आपको इतना ही नहीं, मैं सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ पिताजी ने धन रखा है, वो प्राप्त करने का मार्ग भी मैं बताऊंगा, है कि नहीं। सिर्फ शास्त्र ये नहीं बोलते कि कृष्ण हमारे जिंदगी का लक्ष्य है, कृष्ण को कैसे प्राप्त कर रहे हैं वो भी मार्ग शास्त्र बताते हैं। ए स्थाने आचे धन यदि दक्षिणे कुडीबे बहिर भीमरुल भरुली उटीते धन ना पाईबे। ये एस्ट्रोलॉजर ये व्यक्ति को बोलता है आपके पिताजी ने धन रखा है पर दक्षिण साइड में सदन साइड में उसको खोजना मत, खुदाई मत करना सदन साइड में, नहीं तो क्या होगा वैस्प या ड्रोन्स अलग अलग कीड़े आके आपको काटेंगे, आपको धन नहीं मिलेगा। तो दक्षिण साइड में दक्षिण पक्ष में ये धन को मत खोजना। पश्चिमे कुड़ीबे ताहा यक्ष एक हय से विघ्न करीबे धन हाथ ना बढ़ाए। आप वेस्टर्न साइड पश्चिम साइड में आप खोजने का प्रयास करोगे,
एक राक्षस है उधर, एक यक्ष है, आपको बहुत तंग करेगा, हाथ लगाते वो तंग करेगा, उस तरफ मत जाना। उतरे कुड़ीले आचे कृष्ण अजगरे, धन ना पाई बे कुड़ीते गिली बारे सबारे। आप उत्तर दिशा में भी मत खोजना, वहां पे एक सर्प है आपको निगल लेगा, आपको धन नहीं मिलेगा। तो वहां पर उदाहरण से बता रहे हैं, ये जो एस्ट्रोलॉजर बोलता है ये तीनों दिशा में मत खोजना। कहाँ पे खोजना है? पूर्व दिके ताटे माती अल्प कुड़ीते, धनेरा जारी पड़ी बेकर तुम्हारा हाथे थे। पर आप पूर्व दिशा में ईस्टर्न डायरेक्शन में थोड़ा भी खोदेंगे, बहुत जल्दी आपको ये पॉट मिलेगा मटका धन का। तो वैसे ही शास्त्र हमको बताते हैं ये तीन दिशा, मतलब कर्मकांड, ज्ञान कांड, योग कांड, हमारे शास्त्र बताते हैं इन तीन दिशाओं में मत कूदना। इन तीन दिशाओं में धन प्राप्त करने का प्रयास करेगा फंस जाओगे, बहुत कष्ट आएंगे। हम देखते हैं 12वां अध्याय भगवद गीता का, जहाँ पे अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को पूछते हैं, आपके रूप का पूजा करना है या निर्विशेष का पूजा करना है, ब्राह्मण का पूजा करना है। भगवान कृष्ण क्लियरली बताते हैं जो जो ब्रह्म ज्योति की आराधना करते हैं, जो ज्ञान मार्ग का पालन करते हैं, उनके जिंदगी में बहुत कष्ट आएगा। इस तरह से शास्त्र बहुत क्लियरली बताते हैं। हालांकि शास्त्र ये चार मार्ग देते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, कर्मकांड, ज्ञानकांड, योगकांड, भक्ति कांड, भक्ति योग, ये चार मार्ग हैं। पर शास्त्र ये भी बताते हैं अगर हमको सही धन चाहिए बिना कष्ट के, भक्ति योग का ही पालन कर। तो कर्मकांड इज दी, ये उदाहरण आप लोगों को समझ में आ रहा है? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? यस ये प्रभु जी, जी ओके ठीक प्रभु, है, क्योंकि दिस इज द टीचिंग्स ऑफ महाप्रभु, तो थोड़ा फिलोसॉफिकल है पर थोड़ा बहुत आप समझने का प्रयास कीजिए। तो ये जो महाप्रभु ने उदाहरण दिया सदर्न डायरेक्शन, आप दक्षिण भाग में आप खोदोगे तो अलग अलग कीड़े आके आपको कष्ट देंगे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखता है कर्म कांड इज लाइक दैट। अब कर्म कांड का पालन करेंगे तो बहुत सारा कष्ट आएगा। कर्म कांड मतलब भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे, कभी इच्छा पूर्ण नहीं होंगे, विल बी सफरिंग, हम बहुत सारा कष्ट का अनुभव करेंगे। महाप्रभु बताते हैं कि ज्ञान कांड इज लाइक दैट गोस्ट, वो एक राक्षस की तरह है, वो भी हमको तंग करेगा। योग मार्ग वो एक सर्प की तरह है, कैवल्य, वो हमको निगल लेगा। लोग लिबरेशन चाहते हैं, मुक्ति, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, मतलब अपना अस्तित्व ही समाप्त कर रहे हैं। वो जो ब्रह्म ज्योति मुक्ति है वो एक सर्प की तरह है, मगर अस्तित्व को ही निगल लेगा। तो इसलिए षड गोस्वामी अष्टकम में श्रीनिवास आचार्य क्या लिखते हैं, कैवल्य नरकायते, कैवल्य इज लिबरेशन, कैवल्य इज लिबरेशन। मतलब षड गोस्वामी ने एक कैवल्य, ये जो लिबरेशन है ब्रह्म ज्योति में सायुज मुक्ति, उनको त्याग दिया, कैसे समझ के, नरक समझ के, कैवल्य नरकायते, क्योंकि अस्तित्व समाप्त होगा तो हम भगवान कृष्ण की सेवा कैसे करेंगे। तो इन अदर वर्ड्स, भक्ति योग अगर हम थोड़ा भी प्रयास करेंगे, बाकी मार्ग में कर्मकांड, ज्ञान कांड, योग मार्ग में बहुत प्रयास करना पड़ेगा, रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, कृष्ण प्रेम भी नहीं मिलेगा, कष्ट बहुत मिलेगा। पर भक्ति योग में आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। गीता का दूसरा अध्याय, थोड़ा भी भक्ति करेंगे बहुत बड़े भय से बचेंगे। सो दिस द प्रोसेस ऑफ भक्ति, भागवतम पहले स्कंद में वर्णन है। बाकी वर्णाश्रम का पालन करते करते हुए अगर कोई भक्ति नहीं करेगा, इट्स सिंपली वेस्ट। पर भक्ति करते हुए किसी का पतन भी हुआ, ऐसा व्यक्ति का जिंदगी कभी वेस्ट। तो प्रभुपाद तात्पर्य में आगे लिखते हैं, दक्षिण भाग मतलब कर्मकांड, जो लोग कर्मकांड का पालन करते हैं, भौतिक इच्छाएं और बढ़ते हैं, यमराज इनको दंड देते हैं, बार बार जन्म लेना पड़ता है। अब कर्मकांड मतलब देवी देवताओं का उपासना करना, राइट, वर्शिपिंग डेमिगॉड, जो देवी देवताओं का उपासना करते हैं, शायद मैक्सिमम स्वर्ग लोग जाएंगे, पर पुण्य समाप्त होने के बाद वापस आना पड़ेगा, सो इट्स बिग सफरिंग। जो लोग योग मार्ग का पालन करते हैं, ज्ञान मार्ग का पालन करते हैं, इनके लिए एक सर्प आता है, उनको निगल लेता है, अस्तित्व समाप्त होता है। एक राक्षस आके योग मार्ग में उनको इतना कष्ट देता है। सो बेस्ट इज टू टेक टू द प्रोसेस ऑफ भक्ति, भक्ति योग थोड़ा भी करेंगे ये दिशा में, थोड़ा भी करेंगे बहुत सफलता मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा।
ऐचे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग्य त्यजी भक्ते कृष्ण वश हय भक्ते तार भजी। इस तरह से शास्त्र बताते हैं कर्म ज्ञान योग त्यजी, कर्म ज्ञान योग त्यागो। गिव अप ऑल दिस, ये महाप्रभु नहीं बता रहे, ये शास्त्र बता रहे हैं। इट इज एक्सप्लेन इन द स्क्रिप्चर्स। और महाप्रभु आगे कोट करते हैं ये बताने के लिए, दीज आर एक्चुअल शास्त्रों के ये प्रमाण है। ऐचे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग त्यजी भक्ते कृष्ण वश हय भक्ते तार भजी। भक्ति का पालन करो, क्योंकि भक्ति का पालन करने से आप कृष्ण को अपने वश में कर सकते हो, कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो। और महाप्रभु आगे कोट करते हैं, दिस इज फ्रॉम भागवतम, ये भागवतम का 11वां स्कंद उद्धव गीता, जहां पे भगवान कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं, न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपोत्यागो यथा भक्तिर ममोर्जित। भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं उद्धव जी को, क्या बोल रहे हैं, न माय डियर उद्धव न साध्यति माम योगो, योग मार्ग से अष्टांग योग से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वन कैन नॉट अटेन मी थ्रू अष्टांग योग, कोई स्वाध्याय से ज्ञान मार्ग से मेरा प्राप्ति नहीं कर सकता। न सांख्यम धर्म उद्धव, सांख्य योग से मेरा प्राप्ति नहीं होगा। न स्वाध्याय तपो त्यागो, त्याग से तपस्या से संन्यास से ये सब से मेरा प्राप्ति नहीं होगा, ओनली थ्रू डिवोशनल सर्विस यथा भक्तिर ममोर्जिता, सिर्फ भक्ति से मेरे ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वन कैन कॉन्कर मी बाई डिवोशनल सर्विस, भक्त्याहम एकया ग्राह्य श्रद्धायात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति माम निष्ठा श्वोपाकाम अपि संभवात्। तो ये अगला श्लोक है वही उद्धव गीता का, भगवान कृष्ण बता रहे हैं मेरे जो भक्त हैं मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, और ऐसे भक्ति से ऐसे भक्तों ने मेरी प्राप्ति किया है, और ऐसे जो भक्त हैं उनका आसक्ति मेरे प्रति इतना बढ़ता है, ऐसे भक्तों का जन्म एक ऐसा परिवार में हुआ है जो कुत्ते का मांस भी खाता है, ऐसा व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ बन जाता है, बिकम्स सो प्यूरिफाइड, हर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की पूजा करता है। अतएव द कंक्लूजन क्या है, भक्ति कृष्ण प्राप्तिर उपाय अभिधेय बलि तार सर्व शास्त्र गाय। तो कंक्लूजन क्या है महाप्रभु बता रहे हैं, द कंक्लूजन इज भक्ति कृष्ण प्राप्तिर उपाय, आपको ये धन प्राप्त करना है कृष्ण का, एक ही उपाय है भक्ति, और ये मार्ग को बोलते हैं अभिधेय। तो प्रोसेस ऑफ भक्ति इज कॉल्ड अभिधेय सर्व शास्त्र गाय, सब शास्त्र यही चीज बताते हैं। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं भक्त्यामाम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्त्व, ओनली थ्रू भक्ति वन कैन अटेन मी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान कृष्ण हालांकि बहुत सारे योग का वर्णन करते हैं, पर अल्टीमेटली बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य जस्ट सरेंडर अन्टू मी, जो भगवान का भक्त बनेगा बहुत आनंद से भगवान की प्राप्ति करेगा। धन पाइले यैचे सुख भोग फल पाए सुख भोग हिते दुख आपनी पलाए। जैसे व्यक्ति धनी बन जाता है, इमेजिन करो गरीब बनी व्यक्ति धनी बन गया, ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा, यू गेट वेल्थ यू ऑटोमेटिकली हैप्पी, हैप्पी मूड हो जाता है, सब दुख चले जाते हैं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही जब हमको भक्ति का धन मिलता है सब दुख चले जाएंगे। तैचे भक्ति फले कृष्ण प्रेम उपजय प्रेमे कृष्णा स्वद हैले भाव नश भव नश पाए। तो जब भक्ति उत्पन्न होता है कृष्ण के प्रति, प्रेम उत्पन्न होता है, ये भव सागर जो है जन्म मृत्यु तुरंत जुड़ जाएगा, कृष्ण के प्रति आकर्षण प्राप्त होगा तो ये भौतिक दुनिया का आकर्षण तुरंत चला जाएगा, व्यक्ति धनी बनेगा। दारिद्र नाश भव क्षय प्रेमेर फल नये प्रेम सुख भोग मुख्य प्रयोजन है। हालांकि मुक्ति जो है कष्टों का निवारण, जन्म मृत्यु से परे होना, ये सब ऑटोमेटिकली आता है भक्ति से, पर ये सब भक्ति का लक्ष्य नहीं है। गोल हमारे जिंदगी का लक्ष्य धनी बनना, ये भौतिक दुनिया में सुखी बनना या मुक्ति भी प्राप्त करना गोल नहीं है। हमारा गोल क्या है, प्रेमेर सुख भोग मुख्य प्रयोजन है, भगवान कृष्ण का सेवा करते हुए सुखी रहना ये लक्ष्य है। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन। तो महाप्रभु बताते हैं सब वेदिक शास्त्र तीन चीज बताते हैं, संबंध अभिधेय प्रयोजन, हमारे कृष्ण के साथ संबंध क्या है, वो संबंध को वापस स्थापित कैसे करें
अभिधेय मार्ग से और प्रयोजन क्या है। और तीन हमारा महाधन है कृष्ण, व्हाट इज आर वेल्थ, हमारा धन क्या है, कृष्ण, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, दिस इज थ्री वेल्थ, हमारा तीन धन है, कृष्णा सर्विस, कृष्णा एंड लव फॉर कृष्णा, वेदादि सकल शास्त्र कृष्ण मुख्य संबंध, तार ज्ञाने अनुसंगे याय माया बंद। तो सब शास्त्रों में, वेद से लेके सब शास्त्रों में मेन चीज वर्णन है कृष्ण मुख्य संबंध। वैदिक शास्त्रों में अलग अलग चीजों का भी वर्णन होता है पर मेन सेंट्रल पॉइंट इज कृष्णा, कृष्ण के बारे में वर्णन है। और जब कृष्ण के बारे में पूरा ज्ञान होगा, तार ज्ञान अनुसंगे याय माया बंध, जब कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, माया का जो बंधन है वो छुटकारा हो जाएगा, विल बी लिबरेटेड। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा जन्मम त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कृष्ण बोलते हैं, जो मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा ऐसे व्यक्ति को वापस जन्म लेने की जरूरत। अगला श्लोक पद्म पुराण का श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। व्यामोहाय चराचरस्य जगतस तेते पुरांगमास तामताम एव हि देवताम प्रमयिकाम जल्पन्तु कल्पवदी सिद्धांते पुनरेक एव भगवान विष्णु समस्तांगम व्यापराशेषु विचेनेन व्यतिक्रम नितेषु निश्चते। बहुत सुंदर श्लोक है, इसका अर्थ सुनिए। बहुत सारे वैदिक शास्त्र है, मेनी टाइप्स ऑफ लिटरेचर्स एंड सप्लीमेंट्री पुराण्स, बहुत सारे वैदिक शास्त्र है, बहुत सारे पुराण है, और बहुत बार भक्तों के हृदय में भी यह प्रश्न उठता है, ये वैदिक शास्त्र में ये देवता के बारे में है, दूसरे वैदिक शास्त्र में किसी और के बारे में है कि नहीं। शिव पुराण में शिव महान बोला जाता है, ये पुराण में ये महान बोला जाता है, तो हर एक पुराण में थोड़ा थोड़ा अलग अलग वर्णन है। तो ये सब क्यों है, दिस पद्म पुराण श्लोक, तो यहाँ पे वर्णन है ये सब क्यों है, लोगों को मोहित करने के लिए, जस्ट टू बिवल्डर पीपल। पर अगर कोई एनालिटिकली स्टडी करेगा, सिद्धांते पुनरेक, अगर कोई प्रामाणिकता से सिद्धांत समझेगा, उसका कंक्लूजन क्या आएगा, सिद्धांते पुनरेक एव भगवान विष्णु, उसका कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन इज विष्णु द वन सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। जो ध्यान से नहीं पढ़ता उसको लगता है अरे ये भी सही है ये भी सही है, किसी का भी पूजा करो, पर हम ध्यान से पढ़ेंगे सब वैदिक शास्त्र का एक ही कंक्लूजन है विष्णु। हाउएवर व्हेन वन एनालिटिकली स्टडीज वैदिक लिटरेचर्स कलेक्टिवली ही कम्स टू कंक्लूजन दैट विष्णु इज द वन एंड ओनली सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। इधर उधर का थोड़ा थोड़ा नहीं, अब प्रॉपरली पूरा पढ़ेंगे कंक्लूजन यही आएगा कि कृष्ण भगवान, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। मुख्य गौण वृत्ति किंवा अन्य व्यतिरिके वेदेर प्रतिज्ञा केवल कहे कृष्ण के। अगर आप वैदिक शास्त्रों को डिक्शनरी मीनिंग से पढ़ेंगे, मुख्य, कभी कभी वैदिक श्लोकों का मुख्य अर्थ होता है, डायरेक्ट मीनिंग, इनडायरेक्ट मीनिंग, अब किसी भी रूप से पढ़ो, अल्टीमेट डिक्लेरेशन कृष्ण के बारे में ही होगा, वेदेर प्रतिज्ञा केवल कहे कृष्णे के, अल्टीमेट कंक्लूजन कृष्ण ही निकलेगा। किम विदते किम आसते किम अनुधाय विकल्पयेत इति आसाय हृदय लोके नान्योन्मम वेद कश्चन माम विदते विदते माम विकल्प्या पयोते ही अहम एतावान सर्व वेदार्थ शब्द आस्ताय माम विधाम माया मात्रम अनुध्यानते प्रतिस्थिति प्रसिद्धति। सो दिस इज अगेन भागवतम, ये दो श्लोक भगवान कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं। उद्धव जी पूछते हैं कृष्ण को, वेद में अलग अलग वर्णन क्यों है, अलग अलग कांड क्यों है, कर्म कांड ज्ञान कांड, इतना कंफ्यूजन क्यों है, उद्धव जी पूछते हैं। और भगवान कृष्ण बोलते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वैदिक लिटरेचर्स, वैदिक शास्त्रों का लक्ष्य क्या है, उस पे किस पे हमको फोकस करना है, ऑब्जेक्ट कौन है। भगवान कृष्ण बोलते हैं, मेरे अलावा और कोई नहीं जानता, अदर देन मी नो वन नोस। और भगवान कृष्ण बता रहे हैं, पर्पस ऑफ वैदिक लिटरेचर, सब वैदिक शास्त्रों का लक्ष्य है मुझे जानना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसलिए जो मुझे जानते नहीं है वो माया में फंसे हैं, और जो मुझे जानते हैं उन्होंने वेद को समझा है, दिस इज माई कंक्लूजन, और इस तरह से व्यक्ति खुश होगा। भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं, इफ यू वॉन्ट बी हैप्पी, अगर हमको खुश होना है, कर्म कांड से नहीं, ज्ञान कांड से नहीं, उपासना कांड से नहीं, ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ भक्ति।
ओनली बाय द प्रोसेस भक्ति के मार्ग से ही हम कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। कृष्णेर स्वरूप अनंत वैभव अपार, चित शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति यार। भगवान कृष्ण के अनेक सारे शक्तियां हैं, दिव्य रूप है, पर प्रमुखता तीन शक्तियां हैं, इंटरनल एनर्जी, चित शक्ति, माया शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। वैकुंठ ब्रह्मानंद गण शक्ति कराए भाई, स्वरूप शक्ति शक्ति कराए कृष्णेर संश्राए। तो भगवान कृष्ण के भौतिक शक्ति से भौतिक दुनिया आता है, और भगवान कृष्ण के अंतरंग शक्ति से आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ लोक उसका आगमन होता है। दशमम लक्ष्यम आस्तृष्णाय विग्रहम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमामि। तो ये भावार्थ दीपिका का श्लोक है श्रीधर गोस्वामी। तो यहाँ पे वर्णन है दसवा स्कंद, जिसमें दसवा विषय के बारे में वर्णन है, जो आश्रय है वो कौन है? कृष्ण। कृष्ण जो है आश्रय विग्रह है, और कृष्ण सब ब्रह्मांडों के सबके आश्रय है, इसलिए मैं उनका आश्रय लेता हूँ। तो ये श्रीधर स्वामी, वील एंड विद दिस श्लोका, हम यहाँ पे एंड करेंगे इसके साथ। तो श्रीधर स्वामी उनके भावार्थ दीपिका में लिखते हैं, तो प्रॉपर बता रहे हैं, दो तत्व हैं, आश्रय तत्व और आश्रित तत्व। ये समझने का प्रयास कीजिए। आश्रय तत्व मतलब जिसका आश्रय सब लेते हैं, और आश्रित तत्व मतलब जिसको किसी का आश्रय लेना है। तो सब शास्त्र वर्णन करते हैं आश्रय तत्व सिर्फ कृष्ण है, और बाकी सब ये दुनिया में आश्रित तत्व है, बाकी सबको कृष्ण का आश्रय लेना है। देवी देवता हो, ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, वो सब आश्रित तत्व है, कृष्ण का आश्रय उनको लेना पड़ेगा। पर भगवान कृष्ण स्वराट है, उनको किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। सो कृष्णा इज कॉल्ड परम धाम, कृष्णम परम धाम है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवा समाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मरारे। इसका अर्थ क्या है? ऐसे बहुत सारे श्लोक ये बताने के लिए, अल्टीमेटली हमको कृष्ण का आश्रय लेना है, हम सबका कर्तव्य है कृष्ण का आश्रय लेना। और प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं भौतिक संसार भी कृष्ण का आश्रय लेता है, मुक्ति भी कृष्ण का आश्रय लेता है, मुक्ति भी आश्रित तत्व है, और आश्रय तत्व एक ही है कृष्ण और कृष्ण के सब अवतार। तो अगर हम प्रॉपरली वैदिक शास्त्रों का एनालिटिकली स्टडी करेंगे, हमारा यही एक कंक्लूजन आएगा कि कृष्णा इज द आश्रय तत्व, और हम सबको कृष्ण का आश्रय लेना। और कृष्ण कौन है? आगे मारू बताते हैं, कृष्णेर स्वरूप विचार सुनो सनातन अद्वय ज्ञान तत्व कृष्ण व्रजेंद्र नंदन। भी सनातन गोस्वामी ये सुनो कृष्ण के स्वरूप के बारे में, कृष्ण जो परम तत्व है वो कौन है? वृंदावन में नंद महाराज के पुत्र, दैट कृष्णा दैट सुप्रीम लॉर्ड वृंदावन में आते हैं नंद महाराज के पुत्र के रूप। विल कंटिन्यू फ्रॉम 153 टुमारो, क्योंकि ये काफी टेक्निकल विषय है। आई थॉट विल स्टॉप एट दिस पॉइंट, हम कल कंटिन्यू करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है? आप लोगों को समझ में आ रहा है आज का विषय? हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज का सेशन बहुत ही सुंदर था। और हाँ प्रभु जी, आप इतने सुंदर तरीके से और एकदम इजी करके समझाते हैं, तो ये वाला तत्व तो भी थोड़ा बहुत हमको समझ में आता है। थैंक यू सो मच प्रभु। सो प्रभु जी, अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन सेशन के लिए? आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो आप हैंड रेस करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। वर्षिणी माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जो एनालॉजी यूज की गई थी, मतलब चारों दिशाओं से, चारों दिशाओं को एक एक कर्मयोग भक्ति योग उसका जो संबंध बताया गया था, तो उसमें उन दिशाओं का कुछ सिग्निफिकेंस है कि इट्स जस्ट एनालॉजी यूज्ड? दिशाओं का आई डोंट नो, थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंस है। जैसे है दक्षिण दिशा में सदर्न डायरेक्शन वॉज कर्मकांड, राइट? दक्षिण दिशा कर्मकांड था। तो जनरली आप देखेंगे साउथ इंडिया में बहुत सारा देवी देवताओं का उपासना होता है, लॉर्ड ऑफ डेमिगॉड वर्शिप, शायद उसलिए महाप्रभु ने वो उदाहरण दिया है, राइट? सो
आई डोंट नो एग्जैक्टली वेदर इज अ स्पेसिफिक कोनोटेशन टू द डायरेक्शंस, बट यू नो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग कि दक्षिण भाग में बहुत सारा देवी देवताओं का उपासना है, सो देयरफॉर महाप्रभु कनेक्टेड था। उत्तर दिशा में यू नो वाराणसी इत्यादि मायावादियों के हेडक्वार्टर्स है, इसलिए महाप्रभु वहां पे यू नो ही स्पीक्स अबाउट दैट स्नेक, सर्प के बारे में महाप्रभु बताते हैं। सम लिटिल अंडरस्टैंडिंग। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, करेक्ट। थैंक यू बाबू जी। सुधा माता जी, आप अन्य अपना क्वेश्चन करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वेरी नाइस क्लास। आई वांटेड टू एक्चुअली आस्क यू अबाउट दिस पंचम पुरुषार्थ विच यू हैड सेड इज प्रेम, बट यू हैव लिबरेशन एज द फोर्थ पुरुषार्थ एंड एंड द लॉर्ड यू नो ऑल्सो सेज दैट सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सो व्हेन ही इज अवॉर्डिंग मोक्ष वी आर टू डू शरणागति। सो माय डाउट वाज दैट फॉर डूइंग शरणागति इज इट प्रेम रिक्वायर्ड ऑल्सो फॉर सरेंडरिंग टू समबडी एल्स, और इज इट लाइक वॉट अर्जुन डिड यू नो दैट ही सरेंडर्ड, ही वॉज ऑल्सो इन you know he had prem for the Lord, but at the same time he surrendered because he wanted to get the essence of what the Lord wanted to tell him through complete sharanagati, through complete surrender. So I thought that you know maybe prem is also required for sharanagati. Is that true or not? इन वन सेंस यस, भगवान के प्रति थोड़ा बहुत, इफ यू हैव लिटिल लव फॉर कृष्णा देन यू सरेंडर, बट यू नो भक्ति के दो भाग हैं, साधना भक्ति एंड देन स्पॉन्टेनियस साध्य भक्ति। सो साधना भक्ति में हालांकि थोड़ा बहुत प्रेम है पर पूर्ण तरीके से वो विकसित नहीं हुआ है। व्हेन यू कीप सरेंडरिंग, व्हेन यू कीप फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ साधना भक्ति, देन दैट एक्चुअल प्रेम यू एक्सपीरियंस। बट डेफिनेटली इवन टू सरेंडर, सरेंडर करने के लिए भी थोड़ा तो प्रेम चाहिए, नहीं तो व्यक्ति क्यों सरेंडर करेगा। सो दैट इज ऑल्सो देयर। सो प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस एंड डिवोशनल सर्विस इन परफेक्शन। तो प्रेम हमारा अभी है थोड़ा बहुत, पर हम पालन करेंगे तो इट बिकम लाइक परफेक्ट। यस प्रभु, थैंक यू दैट्स सो व्हाट मच प्रभु। यस प्रभु, यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मेरे पास है। आपने प्रभु जी जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था कि हमने भगवान से ईर्ष्या करा या मन में उनके लिए कुछ ऐसा भाव आया जिसकी वजह से हम इस संसार में हैं प्रभु जी, और ये चीज हर जगह ही प्रभु, हर लेक्चर में ही मोस्ट प्रोबेबली जब भी कॉस्मोलॉजी का आता है या कोई भी ऐसा संदर्भ आता है तो उसमें श्रवण करने को मिलता ही है। तो जी हमेशा मेरे को बस एक ही कंफ्यूजन ये रहता है कि हम पहले इटरनल सर्वेंट थे गोलोक धाम में या फिर हम कहीं और थे, हमने कब भगवान से इस तरह से स्पर्धा करी? क्योंकि जब भी क्वेश्चन प्रभु जी करते हैं तब मतलब कि ये चीज की गारंटी भी नहीं है ना कि हम अब जब भी गोलोक धाम जाएंगे, जब हमारे सारे कर्म खत्म हो जाएंगे, जब भी हम गोलोक धाम जाएंगे तभी भी फिर ये मूड आ सकता है, तो हमेशा आंसर में मिलता है कि नहीं अब नहीं आएगा। तो प्रभु जी फिर पहले कैसे आया? तो इसका मतलब पहले हम कभी गोलोक धाम में नहीं थे, तो प्रभु जी उस पर थोड़ा मार्गदर्शन करें प्रभु। तो ये जो है व्हाट दिस वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन है कि जीवा फॉल डाउन, आत्मा भगवत धाम से कैसे गिरता है, राइट? तो प्रभुपाद ने इसका उत्तर दिया है कि हम ये लेवल पे ये उत्तर को हम समझ नहीं पाएंगे, विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारा वो कंडीशनिंग नहीं है, राइट? तो ये जो थोड़े छोटे थोड़े जो उत्तर हैं, जब प्रगति होता है ना धीरे धीरे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हमारे ये लेवल पे स्पेशली जहाँ पे हम मटेरियल कॉन्शियसनेस में है, टाइम के फ्रेम में है, हम इटर्नल चीज के बारे में कुछ सोच नहीं सकते। हमारा क्योंकि हम टाइम के फ्रेम में है ना, ये दुनिया में समय है, हमारा हमेशा ये प्रश्न रहता है कब कैसे लाइक दैट। पर आध्यात्मिक जगत में इट्स द टाइम इज नॉट देयर ओनली, वहां पे समय है ही नहीं, तो कब हुआ यू जस्ट कांट आंसर दैट। दैट्स वन अंडरस्टैंडिंग। द अदर अंडरस्टैंडिंग इज प्रॉपर बताते हैं
जब हम जैसे मैं बताया था, जब हम एक्चुअली प्रगति करेंगे, कृष्ण के पास जाएंगे, देन ओनली वी विल अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स। और ये जो उत्तर है कब हुआ कैसे हुआ, ओनली एट दैट पॉइंट यू अंडरस्टैंड। दिस इज वन वन पार्ट ऑफ द आंसर। सेकेंड इज, जैसे आपने बताया, थोड़े आचार्य ये भी बताते हैं कि हम एक्चुअली भगवत धाम में थे ही नहीं, वी हैव नेवर बीन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वी हैव बीन समवेयर एल्स। सो दिस इज ऑल्सो एन आंसर, क्योंकि एक नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। सो नित्य बद्ध बद्ध मतलब इटर्नली कंडीशन, सो वी नेवर एक्सपीरियंस दैट, सो दैट्स ऑल्सो वन पार्ट ऑफ द आंसर। पर ये बता के यू नो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हमने भी काफी प्रश्न किया है, बट इसका कहीं पे उत्तर नहीं आता, यू डोंट गेट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। सो प्रतीक्षा करना पड़ेगी, आप जस्ट वेट, जितना शुद्धिकरण होगा देन थिंग्स विल गेट रिवील। जी थैंक यू सो मच प्रभु जी, क्योंकि अभी हाल ही में एक लेक्चर सुना था प्रभु जी, तो उसमें ऐसे ही प्रश्न आया था। तब कहा था कि हम स्टार्टिंग में है ना ब्रह्म ज्योति में रहते हैं, और वहीं हमको लगता है कि हम भगवान क्यों नहीं है, क्योंकि ब्रह्म गोलोक से आप नीचे नहीं आ सकते, एज अ फॉल डाउन नहीं हो सकता, बट आपका ब्रह्म ज्योति से फॉल डाउन हो सकता है। तो आप ब्रह्म ज्योति में थे, तो वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। फिर आज आपने ये संवाद लिया, तो मैंने कहा चलो पूछती हूँ कि क्या है प्रभु, इज इट अ करेक्ट कि हम स्टार्टिंग में ब्रह्म ज्योति में थे या कैसे था प्रभु। मैंने ये नहीं सुना, पर शायद हो सकता है हाँ वो ये के बारे में भक्तिवेदांत ठाकुर शायद उनके जैव धर्म इत्यादि में डिटेल में वर्णन करते हैं। सो वो पुस्तक को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, देन सम अंडरस्टैंडिंग मे कम। ओके प्रभु जी, गॉट इट, थैंक यू सो मच प्रभु जी। जय हरे माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दिन में प्रणाम। धन्यवाद। और प्रभु जी, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको थैंक यू कहना था कि बिकॉज आप आए तो यहाँ से सीरीज आपने चालू की, नहीं तो मेरा तो वहां के बाहर आपने छोड़ा था, वहां ही रह गया है। प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी। शिवानी माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम जी जी। जो हम जप करते हैं और मतलब बोलते पठन पाठन भगवान श्री कृष्ण के शरण में रहकर करना, तो इससे हम गोलोक धाम जाएंगे ऐसा निश्चित है ना? फिर तो से हम जो भक्ति की वैधि भक्ति करते हैं, साधना भक्ति, इससे हम गोलोक धाम जाएंगे इस तरह से निश्चित है ऐसा मतलब बताते हैं, तो हम कहीं भी रहे, मतलब कि किसी भी योनि में रहे, वहां से मतलब जैसे भक्ति करते आते हैं, तो ये भक्ति की शुरुआत होके हम गोलोक धाम जाना निश्चित होता है ना? या अगर भक्ति करेंगे तो डेफिनेटली निश्चित है, हमारे थैंक भक्ति में पर है, कितना समय लगेगा पर डेफिनेटली निश्चित है। वही मतलब एक हमारा पूरा विश्वास होता है कि हम तो भगवान के चरण में रहेंगे ही, भले कितने भी जन्म लगे। तो मतलब ये जो 84 लाख योनि से हम अभी भक्ति करने लगे, तो अभी से हमें शुद्धता की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिस तरह से आप बताएं कि मतलब ये तीन कान छोड़कर सिर्फ हम भक्ति की शरण में रहे तभी चढ़ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच प्लीज प्रभु जी, धन्यवाद जी। आज प्रभु जी आप बताए ना, तो मुझे भी एक जैसे आश्रय मिला कि जैसे हाँ हम सही भगवान के चरणों में है, कि मतलब यहीं से पूरा विश्वास हमें आगे तक दृढ़ रखना है। ये मतलब या हमारे पदम पदम विपदम होता है, कि हर समय टास्क रहता है कि कोई भी मतलब कुछ भी चैलेंज करता है, लेकिन हमारे को किसी शर्त पर नहीं रहना है, सिर्फ भक्ति में ही रहना है। इसलिए पूछी मैं आपसे, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्ण तब महाप्रभु का बहुत कृपा है हमारे ऊपर कि हमको एक्चुअल ये हाईएस्ट जी मार्ग मिला है, इसलिए जब हम जी चैतन्य नाम को पता चलता है कि हमको क्या मिला है, व्हाट वी हैव गॉट, हम उसको वैल्यू कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस हमको मिला है ना, देवी देवताओं के लिए भी मुश्किल है टू गेट दिस। हरे कृष्ण। पर द्वापर युग से प्रभु जी ये राधा रानी की कृपा से आया ना, जैसे राधा रानी हमारे लिए प्रार्थना करती है चैतन्य महाप्रभु से, भगवान श्री कृष्ण से, कि मतलब वो ये भक्ति जो है वो बांटना है हमारे को सबको, ऐसे मतलब पात्र पात्र नाम ना देखिए, जैसे मतलब जिनको जन्मदिन के समय सब देते हैं दान,
भगवान श्री कृष्ण, उस समय राधा रानी बोलती है ना क्या ये जो श्लोक जी। हाँ राधा रानी बोलती है इन वन सेंस, या क्योंकि महाप्रभु जो राधा रानी के ही भाव से ले आए हैं, राधा रानी के हृदय में करुणा है, वही करुणा महाप्रभु के हृदय में है, डेफिनेटली इन वन सेंस। या महाप्रभु बहुत कृपालु हैं, श्रीमती राधा रानी बहुत कृपालु हैं। बहुत कृपा, सही है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरी बोल हरी। हाँ थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी और कोई हैंड रेस है नहीं, आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम दें। यस शीतला प्रभुपाद की जय, इस गृह सच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। वंचा कल्पतरु जय वंचा कल्पतरु भेज कृपा सिंधु वैवस्वत पतितान पावन भ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक हरी हरी यू वेरी मच दंड।